हमारा कंसर्न यही है कि ये जो स्थानीय लेवल पे इलेक्शन मैनेजमेंट काम करता है, लोगों ने यहाँ क्या कर रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट लोगों के लिए सिर्फ यही मतलब है कि पैसा फेंको, तमाशा फेंको, जो ज़्यादा लगाएगा वही ज़्यादा वोट पाएगा, लेकिन ये लोकल लेवल पे काम नहीं कर रहा। इसी के लिए हम एक रिसर्च भी करवा रहे हैं। आपने हमारे बूथ पे देखा होगा कि एक बुकलेट पड़ी है, हम बच्चे जो है सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग प्रतिनिधियों से कि आपके चुनाव में कितना खर्चा आया, आपके विरोधियों ने कितना खर्चा लगाया, ताकि हमारे पास एक रफली डेटा भी आ जाए कम से कम 50 इलाकों का कि लोकल लेवल पे पैसा कितना लगता है और कौन ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी हार गए। के लिए यही है कि हमने पैसा ज्यादा लगा दिया, हमने लोगों को भ्रमित करने के लिए गिफ्ट ज्यादा बांट दिए, तो उनको लगता है कि हमने चुनावों का अच्छे से प्रबंधन कर लिया, लेकिन चुनाव का प्रबंधन जो है वो इससे भी बड़ी थी। समाचार देख रहे हैं, मैं हूं एलडी स्वामी। आज इलाहाबाद के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान सीआरडीएवी इंस्टीट्यूट के अंदर जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर रणनीति करके कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद क्षेत्र के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों से जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे वो पार्षद हो, चेयरमैन हो, जिला पार्षद प्रतिनिधि हो, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और कई तरह के उनको सवाल दागे गए हैं और उन सवालों के बहाने कई तरह के राज भी खुलकर सामने आए हैं। लेकिन उद्देश्य इस रणनीति कार्यक्रम का वो स्किल्स सिखाना, बच्चों को कौशल सिखाना, चुनाव मैनेजमेंट के बारे में बताना। और सीआरडीएवी कॉलेज ने आज जो है इस जो यहाँ की जो गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको चुनाव की जो रणनीति है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इस पर जो है एक ये कह सकते हैं कार्य वर्कशॉप उन्होंने लगाई है, कार्यशाला लगाई है, जिससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। हमारे साथ राजनीति विज्ञान के स्पेशलिस्ट और अध्यापक दीपक है, उनसे बातचीत करते हैं। जो इसका जो उद्देश्य है बड़े बड़े सपनों में तो इस बच्चों को सिखाना है, कितना सीख पाए हैं और ये जो फील्ड है ये कितना बड़ा है। सबसे पहले तो मैं इस समाचार की पूरी टीम का कॉलेज प्रांगण में पहुंचने पे हार्दिक धन्यवाद और आभार करता हूं। आपने पूछा कि ये फील्ड कितनी बड़ी है। देखिए, दुनिया में अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इलेक्शन मैनेजमेंट शुरू हो गया था। इंडिया में 2009 में उड़ीसा में शुरू हुआ था कि जब अलग अलग टीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के लिए जब उनको हायर करते थे तो मतलब वो अपने एक मार्जिन के रूप में उनके लिए काम करते थे। लेकिन 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी ने प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपैक, उनकी जब सेवाएं लेनी शुरू की तो ये सेक्टर एक तरह से बूम कर गया। आज अगर हम इंडिया में देखते हैं तो नियर अबाउट वी आर 1000 कंपनीज, हमारे देश में 1000 ऐसी कंपनियां हैं जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करती हैं या इलेक्शन मैनेजमेंट करती हैं या सिर्फ मीडिया की बदौलत वो आज जो लीडर्स के व्यू हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फील्ड में कब्जा खास करके आईआईटी या आईआईएम में पढ़ने वाले लोगों का है, क्योंकि वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं और हमारे जैसा जो बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ जो इलाका है उन बच्चों को इतना मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए सीआरडीएवी कॉलेज का ये एक इनिशिएटिव था कि हम भी बच्चों को इलेक्शन मैनेजमेंट सिखाएं। मैं खुद भी ट्रेंड हूँ, मैं ट्रेंड पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट, मैंने भी इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली हुई है बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो कॉलेज ने कहा कि आप जो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है वो बच्चों को सिखाएं। हमने पिछले 20 दिनों से बच्चों को 7 टीम में डिवाइड किया, सोशल मीडिया की हमने टीम अलग बनाई, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के तरीके कौन से हैं वो अलग बनाए, चुनाव प्रचार का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो अलग टीम बनाई। इन 20 दिनों में बच्चों ने ये जाना कि चुनाव में कौन कौन से तरीके जो हैं वो काम करते हैं, और उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो 7 बूथ हैं सभी बूथ पे एक टीम बैठी हुई है, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट है ये काम कैसे करता है। इलेक्शन मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे तो इनका बहुत जिक्र होता है कि विधानसभा चुनाव में ये चल रहा है, लोकसभा चुनाव में चल रहा है, लेकिन वही मेरा सवाल था कि जिस क्षेत्र में हम हैं और आम लोगों की धारणा है चुनाव, राजनीति, पॉलिटिक्स, इनको लेकर राजनीति धारणा जो है बड़ी ही बुरी बनी हुई है, एक गंदी चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पर जो वर्कशॉप है हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ देखने को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कैरियर भी है, क्या इसके अंदर कैरियर भी है? बहुत बड़ा करियर है सर, बहुत बड़ा करियर। देखिए, आज का जो रोजगार का संकट है, जैसे कि आपका ये सवाल था कि लोकसभा लेवल पे लोग करवा लेते हैं बड़ी कंपनियों से, विधानसभा लेवल पे भी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, लेकिन जो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव के जो प्रतिनिधि हैं, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो या तो ज़्यादा तर इसके बारे में जानते नहीं है, और जितने भी प्रत्याशी इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो वो जो इलेक्शन फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको हायर नहीं करना चाह रहे। हमारी कोशिश ये है कि इलेक्शन मैनेजमेंट बच्चों को सिखाने के बाद उनको ये ट्रेन किया जाए कि लोकल लेवल पे इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे काम करता है। आप जब गांव में घूमोगे, बींग ए जर्नलिस्ट, आप भी ये जानते हैं कि जब भी आपने मीडिया कवरेज की है चुनाव के दौरान, ठीक है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं वो मैनेजमेंट का मतलब पैसा,
और दूसरी चीज़ें उपहार वोटरों को बांटना, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। उनके लिए यही है कि हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया, हमने लोगों को भ्रमित करने के लिए गिफ्ट ज़्यादा बांट दिए, तो उनको लगता है कि हमने चुनावों का अच्छे से प्रबंधन कर लिया। लेकिन चुनाव का प्रबंधन जो है वो इससे भी बड़ी फील्ड है। आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी जाति किसके तरफ झुकाव रख रही है, आपकी साइड नहीं है तो आपकी साइड वो कैसे आ सकती हैं। अब जैसे जो बड़े समूह हैं, जो सो कॉल्ड धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उसको आप छोटे मोटे गिफ्ट से तो भरमा नहीं सकते, उनके लिए आपको अलग से पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। हमारा कंसर्न यही है कि ये जो स्थानीय लेवल पे इलेक्शन मैनेजमेंट काम करता है, लोगों ने यहां क्या कर रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट लोगों के लिए सिर्फ यही मतलब है कि पैसा फेंको, तमाशा फेंको, जो ज्यादा लगाएगा वही ज्यादा वोट पाएगा, लेकिन ये लोकल लेवल पे काम नहीं कर रहा। इसी के लिए हम एक रिसर्च भी करवा रहे हैं। आपने हमारे बूथ पे देखा होगा कि एक बुकलेट पड़ी है, हम बच्चे जो है सवाल पूछ रहे हैं अलग अलग प्रतिनिधियों से कि आपके चुनाव में कितना खर्चा आया, आपके विरोधियों ने कितना खर्चा लगाया, ताकि हमारे पास एक रफली डेटा भी आ जाए कम से कम 50 इलाकों का कि लोकल लेवल पे पैसा कितना लगता है और कौन ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी हार गया। अब आप देखिए कि एक प्रत्याशी जो है वो 20 लाख खर्च कर रहा है अपने चुनाव पे, या 20 से भी ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले को 10,000 रुपए पे नहीं कर रहा। और अगर वो 10,000 पे करके या 50,000 पे करके सर्विस ले लेता है इलेक्शन मैनेजर की, कैंपेन मैनेजर की, तो वो उन लोगों को ये अच्छे से बताएंगे कि आप ये कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए। या बहुत से गांवों में जिनकी एक अच्छी सलाहकार टीम है, सवाल रहेगा, सवाल नहीं है, आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी उन इच्छुक युवाओं को जो इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं या फिर वो इसकी जानकारी। देखिए, मेरी सब उन सभी युवाओं से यही एक अपील है कि आज के इस रोजगार के संकट में जब हम समस्याएं फेस कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो अच्छे से ट्रेनिंग लें। इंडिया में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी हालांकि ट्रेनिंग थोड़ी सी महंगी है, अगर वो खुद से भी सीखना चाहें तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उन प्लेटफॉर्म पर सीख के वो मार्केट में जब अपने आप को लेकर के आएंगे तो जब वो टाई अप करेंगे लोकल पॉलिटिशियन से तो उनको ऑटोमेटिकली वो हायर करेंगे। वो दो जगह जाएं, तीन जगह जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन दें कि देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर उनका एक या दो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद तो अपने आप उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ दीपक थे जिन्होंने बच्चों को पिछले 20 दिन से ट्रेन कर रहे हैं चुनाव मैनेजमेंट के बारे में, और इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि ये सिर्फ चुनाव राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर आप चुनाव जो इलेक्शन मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप उतरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सुनहरा भविष्य भी बन सकता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।